प्रदेश के रोडवेज बस कर्मचारियों ने एक दिन का हड़ताल किया है, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार और श्रीनगर डिपो से किसी बस का संचालन नहीं हुआ। वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला, बरेली, मुरादाबाद समेत सभी लंबी दूरी की बसों का संचालन ठप रहा। बता दें कि 13 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पिछले दिनों परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया था। वहीं आंदोलन कर रहे संयुक्त मोर्चा की बुधवार को प्रबंधन ने वार्ता विफल हो गई थी। इसके बाद प्रबंधन ने उन्हें बृहस्पतिवार को दोबारा वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन फिर बात नहीं बनी। वहीं संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना हुई तो वह 31 जनवरी की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी एमडी साहब से मुख्यालय में हुई और एक लेटर आज अभी आया हम पे 2 घंटे पहले 3 बजे सचिवालय में, सचिव साहब ने हमें बुलाया, तो उसमें भी हम सकारात्मक रूप से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार और सचिव लोग और मैनेजमेंट हमारा सकारात्मक निर्णय लेगा तो फिर हम हड़ताल नहीं करेंगे।